चाहूँगा कि लोग का फेवरेट डेस्टिनेशन लद्दाख या फिर और कोई भी जगह होता है तो भाई उसमें झारखंड को भी ऐड करो, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती मैंने जो फील की है फील करके देखो। तो पिछले कुछ दिनों से हम एक राइड प्लान कर रहे थे जो कि 100 किलोमीटर का है। आज जो है हम लोग राइड करेंगे पहली बार 100 किलोमीटर का। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है कि वेदर प्रिडिक्शन के हिसाब से आज है थंडर स्टॉर्म और करीबन 11.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आज हवाएं चलने वाली हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे अब एडवेंचर टूरर वाली लाइफ जीने, तो भाई तो उसके लिए उठानी पड़ेगी। बोलते हैं ना कि तब कर ही सोना बनता है, तो वैसे ही कुछ आज हम लोग भी करें। आज हमने अपना स्वैग कैरी किया है, ब्लू शर्ट, मस्टर्ड येलो टी शर्ट, ब्लैक फटी जीन्स, ब्लैक शू, ब्लू कैप, तो इसे देखो थोड़ा सिनेमैटिक में। कुछ ऐसी है, ये रश लग रहा है, लूसीफर पूरा गंदा हो रखा है। तो आज की राइड के बाद हमें करना है इसको वॉश और चेन ल्यूब और चेन क्लीन करना है इसका। अभी पता नहीं हम लोग एग्जैक्टली किस जगह पे है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही अच्छा व्यू आ रहा है। तो थोड़ी फोटो वोटो क्लिक करेंगे, उसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाओ जाकर के फॉलो करो और यहाँ की पिक्चर्स सारी देखो। और पीछे जो है हमारी एक नदी गई हुई, पता नहीं कौन सी नदी है, और जो यहाँ से व्यू है ना पहाड़ का, यार कमाल का है। तो और एक बात, हमारा जो कैमरा है उसका चार्ज खत्म हो गया है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पावर बैंक है लेकिन चार्जिंग केबल ही हमने छोड़ दिया घर पे, तो ये भी एक दिक्कत है। और आगे दूर दूर तक कोई भी शॉप नहीं है, अब सिर्फ वादियां हैं। तो बस यही है, अभी चलते हैं आगे, थोड़ा फोटो वोटो क्लिक कर लें, है ना। तो मिलते हैं वहां।
फाइनली पहुंच चुके हैं, मंदिर के पास है और पीछे हमारी गाड़ी खड़ी कर दी हमने। हमारा लूसीफर थोड़ा रेस्ट लेगा और ये स्टेशन पार करके हमें जाना है। यहाँ पे सावन के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि अभी खत्म हो चुका है क्योंकि सावन का आज लास्ट दिन है। तो बाबा की कृपा से अच्छे से पहुंच गए हम लोग। क्यों सूरज? और जो रास्ता है ना यार, सच में कच्चे रास्ते से आया, थोड़ा कच्चा रास्ता मिला जहाँ पे थोड़ी हालत पतली हो गई थी हमारी। और जो मतलब व्यू मिला ना, कमाल का मिला व्यू। झारखंड तो फेमस ही है अपने ब्यूटी के लिए, तो बस वही ब्यूटी इंजॉय करके आए हैं अभी। और वो नीचे बाबा का मंदिर है तो अभी वहीं जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। तो हमने प्रसाद लिया और ये दो लोटा मिला आज हमें। एक लोटा हमने लिया, एक आंटी ने दिया क्योंकि बाबा पे जल चढ़ाना। तो अभी अंदर जा रहे हैं मंदिर के और पता नहीं अंदर पे कैमरा अलाउड होगा या नहीं होगा, तो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। अभी चल रहे हैं अंदर वो मंदिर का गेट पीछे। बाल्टी फटा हुआ था। तो दोस्तों हमने बाबा के दर्शन कर लिए और बहुत ही आनंद आया दर्शन करने को, आत्मा ही तृप्त। और कैसा था सूरज? एक नंबर, एक नंबर। पंडित तो जी ने कार्ड भी दिया हमने। तो अभी पूजा हो गई है तो यहाँ से निकलते हैं फिर, और रुक करके कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि और भी काम होते हैं हमें। तो अभी हम लोग हैं फुट ओवर ब्रिज के ऊपर में और लूसीफर में थोड़ा खून की कमी हो गई है तो लूसीफर को अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है, खून डलवाना है उसमें। तो अभी देखते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ है और लूसीफर को थोड़ा दूर खड़ा किया हमने दुकान के पास। एक आंटी जी का दुकान था वहाँ पे हमने लगाया लूसीफर को। तो अभी लूसीफर के पास ही जा रहे हैं और लूसीफर को लेके जाएंगे पेट्रोल पंप, वहाँ पेट्रोल डाल करके फिर वहाँ से निकल जाएंगे हम लोग घर के लिए। तो बस अभी मिलते सीधे बाइक पे। अभी हम लोग हैं महादेवसाल के स्टेशन के बाहर जो कि अभी नया नया बना है
और एक्शन कैमरा बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी पूरी डेड हो गई है और आसपास कोई मोबाइल का स्टोर भी नहीं है जहाँ से मैं यूएसबी केबल ले करके उसको चार्ज करूँ। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे आसपास दुकानें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी आपको। और मेरे ख्याल से यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करना होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और हमें क्या चाहिए, भगवान का आशीर्वाद और आपका प्यार, तो दोनों बरकरार रहे हम पे और हमारा जो नाम है यूं ही दुनिया में फैलता रहे। तो बस इसी के साथ मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में मेरे भाई। आज का जो बाइक राइड है ना वो मतलब पूरा सार्थक हो गया है यार। आज मतलब जो व्यू मिला है ना अपने को, कोई बोल नहीं सकेगा यार, इतना खूबसूरत झारखंड है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि लोग का फेवरेट डेस्टिनेशन लद्दाख या फिर और कोई भी जगह होता है तो भाई उसमें झारखंड को भी ऐड करो, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती मैंने जो फील की है, फील करके देखो, सच में बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। और यहाँ से जो नज़ारा देखो।